अबे शिनचैन तू रेडी है ना, वो आ गई। अरे फैल्कन भाई ऐसा मत करो यार। अबे शिनचैन तू टेंशन ना ले। और गाइस ये देखो, इस बार अपना फैल्कन इसके ऊपर जा रही है क्या? अबे शिनचैन तू भी जल्दी से बैठ जा। अरे फैल्कन भाई मैं तो पीछे वाले बॉक्स पे चढ़ गया, जल्दी आओ। अरे गाइस अपना शिनचैन तो ऊपर है, वो देखो गाइस अपना शिनचैन तो ट्रेन के ऊपर ही है। अरे फैल्कन भाई हम तो ट्रेन के ऊपर ही आ गए, अब हमें क्या करना है? अबे शिनचैन बस जो करूंगा मैं करूंगा, तू मुझे देखते जा। अरे फैल्कन भाई मेरी मानो वापस आ जाओ यार, वो मोर्चर ट्रेन है। अबे शिनचैन तू टेंशन ना ले, आज मैं छोड़ूंगा नहीं से। लेकिन गाइस इसे तो कुछ हो ही नहीं रहा, और ये क्या, ये तो करंट बाजी है। अबे शिनचैन जल्दी कूद। अरे फैल्कन भाई ये ट्रेन तो चले गई यार। अबे हाँ शिनचैन भाई वो ट्रेन भागी, लेकिन एक सेकेंड। अबे शिनचैन भाई जल्दी अपने पीछे देख। अरे फैल्कन भाई क्या है मेरे पीछे? अरे बाप रे बाप, फैल्कन भाई ये मेरे पीछे कहाँ से आ गई? अबे शिनचैन भाई तो मैं देख रहा हूँ। और गाइस यार ये क्या, यहाँ पे तो पूरा का पूरा वेदर ही चेंज हो गया। अरे भाई साहब, गाइस अपना शिनचैन सही कह रहा है, ये तो अपने अंदर से आग निकालते जा रही है। अबे शिनचैन जल्दी मेरे पीछे आ। अरे फैल्कन भाई आ तो रहा हूँ यार, मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, जल्दी भागो भागो। लेकिन ये क्या गाइस यार, अचानक से यहाँ पे इतना सारा धुआं कैसे आ गया? अरे फैल्कन भाई मैं तो आपको देख ही नहीं पा रहा। अबे शिनचैन मैं कौन सा देख पा रहा हूँ? अरे फैल्कन भाई आपके पीछे ये इतनी बड़ी चीज क्या है? अबे शिनचैन मेरे पीछे तो कुछ भी नहीं है भाई। अरे नहीं गाइस ये कहाँ से आ गया? अरे फैल्कन भाई जल्दी भागो यार, वरना वो हमें खा जाएगी। अबे हाँ शिनचैन भाई भाग रहा हूँ, लेकिन गाइस यार मुझे एक बार समझ में नहीं आ रही कि अपन लोग भाग के जाए कहाँ पे। अरे फैल्कन भाई चोमू वाली बातें क्यों कर रहे हो यार, जहाँ पे जगह मिल रही है वहीं पे भाग चलो ना। अबे हाँ शिनचैन भाई, लेकिन एक सेकंड गाइस यार मेरी पीठ इतनी ज्यादा जल क्यों रही है? अपना शिनचैन कब से इतना हॉट हो गया, आखिर चल क्या रहा है मेरे पीछे? अरे गाइस यार ये क्या, शिनचैन भाई गलती से भी पीछे मत देखियो। अरे फैल्कन भाई वैसे ही डर लग रहा है यार, और भी ज्यादा क्यों डरा रहे हो? शिनचैन भाई सच्ची में पीछे मत देखियो, क्योंकि तेरे पीछे वही थॉमस ट्रेन हवा में उड़ते हुए आ रही है। अरे फैल्कन भाई क्या बोल दिया यार, अब तो मुझे और भी ज्यादा डर लग रहा है। हे ऊपर वाले, ये कैसे नहीं आई है? मैं तो अभी इस दुनिया में आया ही था और तुम मुझे अभी उठा लोगे? अबे शिनचैन क्या बोल रहा है? अरे फैल्कन भाई सच्ची तो बोल रहा हूँ यार, और भगवान जी आज के बाद मैं किसी भी दीदी को नहीं छेड़ूंगा, बस आजाद मुझे बचा लो ना। और गाइस यार तुम लोग कमेंट में जाके शिनचैन ओपी लिख दो, ताकि मैं तुम सभी को रिप्लाई में जाके हाई लिख के सेंड कर दूं। अबे शिनचैन भाई जल्दी सामने देख। अरे फैल्कन भाई सामने क्या है यार? अरे गाइस यार ये क्या, ऊपर वाले ने मेरी बात सुन भी ली, हमारे लिए यहाँ पे एक कार छोड़ दी। अबे शिनचैन बातें मत कर मेरे भाई, जल्दी से कार के अंदर बैठ, क्योंकि वो थॉमस ट्रेन यहाँ पे आते ही होगी। अरे फैल्कन भाई यहाँ पे एकदम सही कह रहे हो यार। तो गाइस फाइनली फ्रैंकलिन शिनचैन को यहाँ पे कार मिल चुकी है, और ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश है। लेकिन ये दोनों इस बात से अनजान है कि कार लेने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि वो थॉमस ट्रेन इन्हें कैसे भी करके पकड़ लेगी और इन्हें जिंदा निकल जाएगी। अरे फैल्कन भाई ये क्या, जल्दी से पीछे देखो। अबे शिनचैन भाई पीछे क्या है अब? अरे फैल्कन भाई देखो तो। अरे नहीं गाइस यार ये क्या, थॉमस ट्रेन तो अपने पीछे ही आ रही है। अरे फैल्कन भाई अब क्या करें यार, ये तो हमें जिंदा निकल जाएगी। और गाइस यार इसी के साथ अपने फैल्कन शिनचैन ने कार से जंप मार ली है। अरे फैल्कन भाई बचाओ। अरे गाइस यार ये क्या, ये अपने शिनचैन को क्या हो गया? लगता है कि कार से जंप मारते वक्त अपने शिनचैन की टांगे टूट चुकी है। तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा GTA 5 ग्रैंड आरपी के बारे में, जो आपको मोस्ट प्रीमियम रोल प्ले एक्सपीरियंस देता है, जिसमें आप एक सर्वर के अंदर फुल फ्रीडम के साथ खेल सकते हो एंड अपना रोल चूज कर सकते हो। और अगर आप गैंग मेंबर बनके खेलते हो तो आपके मैप में एनिमीज गैंग के एरिया शो होंगे, जहाँ पर आप फाइट लेने जा सकते हो, वो भी रियल बंदों के साथ। फिर इसमें ग्रैंड प्रिजन है, जहाँ आप जा सकते हो, एक्टिविटीज कर सकते हो एंड वहाँ से एस्केप होने का प्लान भी बना सकते हो। ये आपके ऊपर है कोप बन के खेलना है या फिर क्रिमिनल बन के। देन अपने खुद की टीम बनाओ, दोस्तों के साथ हाइस्ट प्लान करो और अपने बिजनेस सेटअप करो, जैसे कि फार्म बिजनेस या फिर इवन ऑल बिजनेस। आई थिंक जितने फीचर्स एंड फ्रीडम इस सर्वर में है, उतने GTA 5 ऑनलाइन में नहीं है। तो जाओ यार इसे खेलना स्टार्ट करो, GTA 5 ग्रैंड आरपी को। लिंक
डिस्क्रिप्शन में है। अरे फ्रैंकलिन भाई मुझे उतार दो यार, वरना मैं लेट हो जाएगी। अबे शिनचैन तू टेंशन ना ले, अपन दोनों साथ में जाएंगे। और गाइस यार वो देखो, वो रही अपनी थॉमस द ट्रेन, हमें उससे बच के कैसे भी करके यहाँ से भागना पड़ेगा। अरे फ्रैंकलिन भाई देखो यार, आखिरकार हम उस वाली शॉप पे आ गए। अबे हाँ शिनचैन तू सही कह रहा है, लेकिन गाइस यार एक सेकंड, इस वाली शॉप में ये चल क्या रहा है? अरे फ्रैंकलिन भाई यहाँ पे तो अब पक्का कुछ गड़बड़ है। अबे शिनचैन तू सही कह रहा है, तो गाइस एक काम करते हैं, अब हम जल्दी से शॉप के ओनर से बात कर लेते हैं। अरे नहीं गाइस यार, यहाँ पे तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो गई। अरे फ्रैंकलिन भाई जल्दी बताओ ना। अरे गाइस यार, जो शॉप का मालिक था वो एक जादूगर था, और उसने एक ट्रेन बनाई थी ताकि वो इंसानों की हेल्प करे, लेकिन उस जादूगर का जादू उल्टा हो गया और वो ट्रेन को ज्यादा गंदी बन गई, जो कि इंसानों को जिंदा खा रही है। अरे तो फ्रैंकलिन भाई अब हम क्या करेंगे यार? अबे शिनचैन तो टेंशन ना ले। तो गाइस यार उस वाले जादूगर ने हमें एक पोर्टल दिया है, हमें कैसे भी करके उस ट्रेन को उस वाले पोर्टल में भेजना पड़ेगा ताकि वो लॉस सैंटोस से किसी दूसरी दुनिया में चले जाए। अरे तो फ्रैंकलिन भाई ये हम कैसे करेंगे यार? अबे शिनचैन उसकी टेंशन तू ना ले, मैंने सब सोच लिया है, अब तू जल्दी से मेरे साथ चल। अरे फ्रैंकलिन भाई आपका प्लान काम तो करेगा ना? अबे शिनचैन तू टेंशन ना ले। तो गाइस यार मैंने अपने शिनचैन को ट्रेन की पटरी पे सुला दिया है कि वो थॉमस ट्रेन इसे देख के इसके पास आ जाए। अरे फ्रैंकलिन भाई उसके बाद क्या करोगे आप? अबे शिनचैन उसी टाइम मैं यहाँ पे पोर्टल खोल दूंगा ताकि वो ट्रेन इसके अंदर चले जाए। अरे वाह फ्रैंकलिन भाई आपका प्लान तो एकदम सही है। अबे हाँ शिनचैन भाई अब तू बस थोड़ा वेट कर। अरे फ्रैंकलिन भाई जल्दी देखो ट्रेन आ गई। अरे गाइस यार ये ट्रेन तो आ भी गई, मैंने यहाँ पे पोर्टल खोल दिया है और वो ट्रेन इसके अंदर चली गई। अरे वाह फ्रैंकलिन भाई मजा ही आ गया। तो गाइस यार फाइनली हम लोगों ने उस वाली ट्रेन को पोर्टल के अंदर भेज दिया है। तो शिनचैन तुझे अपनी ऑडियंस से कुछ बोलना है क्या? अरे हाँ फ्रैंकलिन भाई, तो गाइस यार अगर आपको आज वाली वीडियो में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और हाँ गाइस कमेंट में जाके शिनचैन ओपन लिखना मत भूलना। अब मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।